नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेश आपका स्वागत करता हूँ शैलेश एंड NHTV में। और दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानते हैं दोस्तों, अगर आप उबले हुए अंडे को खाते हैं तो यह उबले हुए अंडे आपके हेल्थ के लिए क्या बेनिफिट देते हैं। दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, अंडे जिसे हम एक कहते हैं दोस्तों, अंडा अगर आप खाते हैं तो आपके शरीर के लिए यह काफ़ी प्रॉफिटेबल है। दोस्तों अंडा खाने में बहुत ही पौष्टिक होता है, इसलिए दोस्तों इसे हर क्लास के लोग खाना पसंद करते हैं, चाहे वह बॉडी बिल्डर हो या फिर कोई रनर हो या फिर क्रिकेटर हो। इस तरह के दोस्तों किसी भी तरह के क्लास के लोग हो, अंडा खाना पसंद करते हैं। दोस्तों अंडे में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है, ओमेगा 3 होता है और फैटी एसिड इसमें होता है दोस्तों, जिसके वजह से अंडा हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। अंडे में पाए जाने वाले सभी न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, इसके वजह से दोस्तों यह न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर में एनर्जी लाती है। और अगर आप हम अंडे खाते हैं तो हमारा जो शरीर है वह एनर्जेटिक रहता है। साथ ही साथ दोस्तों अंडे में प्रोटीन भी बहुत मात्रा में होती है, जिससे हमारे शरीर की मांसपेशियां मजबूत बनती है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दें कि दोस्तों अंडे में ओमेगा 3 होता है और फैटी एसिड होता है, जिसके वजह से हमारे शरीर का कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल में रहता है। जैसा कि दोस्तों हम सभी को पता है, अंडा एक प्रकार का सबसे अच्छा और सबसे सस्ता सुपर फूड है, क्योंकि दोस्तों अंडे में सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जैसे कि विटामिन ए, फॉस्फोरस, सेलेनियम, कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन ए और इस तरह के कई तरह के न्यूट्रिएंट्स इसमें पाए जाते हैं। दोस्तों अंडे में 70 कैलोरी, 6 ग्राम प्रोटीन और 5 ग्राम हेल्दी फैट होता है, जो शरीर को हेल्दी रखने में काफ़ी मदद करता है। दोस्तों अगर आप अंडे को रोज खाते हैं तो शरीर में कई तरह की बीमारियों से बचाने में अंडा मदद करता है। दोस्तों ज़्यादातर लोग सर्दियों में अंडे को खाते हैं, क्योंकि अंडा विटामिन से भरपूर होता है और गर्म होता है। दोस्तों इतना ही नहीं, अंडा बहुत गर्म होता है, इसका अगर आप लिमिट से ज़्यादा अगर आप इसे खाते हो तो यह साइड इफ़ेक्ट भी दे सकता है। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा, अंडे को अगर बच्चे या फिर यंग लड़के खाते हैं, और दोस्तों सभी प्रकार के लोग इसे खाते हैं, क्योंकि अंडा हमारे शरीर में एनर्जी देता है और साथ ही साथ यह सस्ता भी होता है और आपको मार्केट में आसानी से मिल जाता है। अंडा खाने से दोस्तों ना केवल हमारे शरीर की कमजोरी दूर होती है, बल्कि हमारे शरीर की कैलोरी की मात्रा को कंट्रोल में रखता है। दोस्तों आप जानते हैं कि उबले हुए अंडे अगर आप खाते हैं तो यह आपके शरीर को किस तरह से फ़ायदे देते हैं। देखिए, अंडे को खाने से आप दिल की बीमारी से दूर रह सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अंडे का जो पीला वाला भाग होता है उसमें अनसैचुरेटेड फैट होता है, जो कि दिल के मरीजों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। दोस्तों साथ ही साथ यह जो अनसैचुरेटेड फैट होता है वह ब्लड शुगर लेवल और कोलेस्ट्रॉल को कम कर देता है, जिससे हमारा दिल स्वस्थ रहता है। दोस्तों इसीलिए आप अगर रोज़ 2 उबले हुए अंडे अगर खाते हैं तो आप दिल की बीमारी से बच सकते हैं। दोस्तों इसी तरह अगर आप अंडे को खाते हैं तो आपका ब्रेन भी काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि अंडे में ओमेगा 3 और विटामिन होता है, जिससे दिमाग तेज चलता है और साथ ही दोस्तों दिमाग बढ़ने में भी काफ़ी मदद करता है। साथ ही साथ अंडे में कॉलिन होता है, जिससे कि हमारे जो दिमाग की याददाश्त होती है, याददाश्त की शक्ति बढ़ाने में यह मदद करता है। दोस्तों साइंटिस्ट के रिसर्च से यह भी पता चला है कि जो अंडे खाने वाले लोग होते हैं उनका दिमाग ज़्यादा तेज चलता है। दोस्तों इसीलिए आप अगर अंडे खाते हैं तो आपका ब्रेन भी अच्छा रहता है। इसी के साथ साथ अगर आप वजन बढ़ाना चाहते हैं या फिर घटाना चाहते हैं तो इसमें भी अंडा काफ़ी आपको मदद देता है। दोस्तों अगर आप सपोज़ कि वजन को घटाना चाहते हैं तो आप अंडे को सुबह नाश्ते के रूप में ले सकते हैं, और ऐसा करने से आपको जल्दी भूख नहीं लगती है। दोस्तों साथ ही साथ आप अगर वजन पर कंट्रोल करना चाहते हैं, जैसा कि आपने देखा होगा कि जो लोग जिम करते हैं वो लोग अपने डाइट में खासतर से अंडे को ही खाते हैं। ऐसा रोज़ाना करने से शरीर का जो वज़न होता है वह तेज़ी से बढ़ने लगता है, और इस तरह से दोस्तों आप वजन भी बढ़ाना चाहते हैं तो वजन बढ़ा सकते हैं। अंडे के पीले भाग में वजन तेज़ी से बढ़ाने वाले न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और सफ़ेद भाग में दोस्तों एनर्जी देने वाले न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसलिए दोस्तों जिन लोगों को वजन कम करना, रोज़ाना 2 अंडे खाकर फ़ायदा ले सकते हैं। दोस्तों इसी तरह आँखों की अगर प्रॉब्लम है तो वहाँ पर भी अंडा काफ़ी मदद देता है।
सपोज कि अगर आपको आपके आंखों की रोशनी कमजोर है या फिर आपको दूर या पास का साफ नहीं दिखता है, तो उन लोगों के लिए दोस्तों आंखों की मांसपेशियां कमजोर होती है। इन कमजोर मांसपेशियों को मजबूत करने वाले जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वह अंडे में पाए जाते हैं, जो आपको आंखों की समस्या से दूर कर सकते हैं। साथ ही साथ अंडे में एंटीऑक्सीडेंट भी होता है जो हमारी आंखों की जो रेटिना होती है उसे मजबूत रखता है। दोस्तों अगर आप रोजाना 2 उबले हुए अंडे खाते हैं तो आपके जो मोतियाबिंदु की जैसी जो प्रॉब्लम हो सकती है आंखों की, उससे भी आप बच सकते हैं। साथ ही दोस्तों बाल और स्किन के लिए भी फायदेमंद होता है। जैसा कि आपने दोस्तों देखा होगा कि कुछ लोग अपने बालों की प्रॉब्लम से, वो जैसे कि बाल सफ़ेद होना, बाल झड़ना या फिर उस पर डैंड्रफ हो जाना, इससे परेशान होते हैं, तो दोस्तों बालों पर आप कच्चे अंडे का यूज़ कर सकते हैं। ऐसा करने से सिर्फ कुछ ही दिनों में आपके बालों की जो प्रॉब्लम है वह दूर होते हुए आपको दिखाई देगी और साथ ही साथ आपकी स्किन भी काफ़ी अच्छी रहती है। दोस्तों अगर आप अपने शरीर को ताकतवर बनाना चाहते हैं तो दोस्तों आप अगर अंडे को खाते हैं तो इससे आपका शरीर मजबूत रहता है और ताकतवर बनता है, क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन और कैल्शियम होता है जो हमारे शरीर की हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। तो दोस्तों यह थे उबले हुए अंडे खाने के फ़ायदे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और इसके बारे में आपके दिल में कुछ भी सुझाव या सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे अगले आने वाले वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।